नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्रा। ब्रह्मांड सिद्ध अष्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि का फरवरी 2024 का संपूर्ण राशिफल, कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध अष्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का फरवरी 2024 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य है वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि काफी सारे जो ग्रह है वो आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं, जैसे कि शुक्र, मंगल, रवि, बुध, ये जो सभी महत्वपूर्ण ग्रह है वो आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं। जो अष्टम भाव है यह मृत्यु का स्थान माना जाता है, प्रत्यक्ष मृत्यु नहीं लेकिन स्ट्रेसफुल थोड़ा सा जो बातें होती है वो अष्टम भाव में ज्यादा देखी जा सकती है। हालांकि इससे कुछ अच्छी बातें भी देखी जाती है। तो मिला जुला जो महीना होगा वो फरवरी आपके लिए देखा जाएगा, तो वो कौन सा क्षेत्र में देखा जाएगा इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि अब हम चर्चा करें कि स्वास्थ्य के बारे में, ये जो संपूर्ण महीना है वो किस प्रकार का होगा। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो स्वामी है बुध, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 2 तारीख के बाद, ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है मंगल, वो दिनांक 2 तारीख को, दिनांक 6 तारीख को आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है शनि, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, वह अभी मार्गस्थ भी है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो तीन ग्रह है वह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके शारीरिक या फिर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। जैसे कि बुध और मंगल आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। वैसे भी देखा जाए तो स्वास्थ्य से रिलेटेड आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी कमजोर है, मतलब छोटी मोटी बातें जो है वो आप जल्दी असर करते हैं, या फिर मानसिकता के बारे में या फिर इमोशनल लेवल पर भी देखा जाए तो छोटी मोटी घटनाओं का बहुत जल्दी से आप पर असर होता हुआ देखा जाता है। अब शारीरिक या फिर फिजिकल लेवल पर भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आपको इस महीने में ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के अगर सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तो तुरंत उस पर काम करना होगा, क्योंकि जो बातें हैं तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो ध्यान रखिए, स्वास्थ्य के बारे में ये जो महीना है वो इतना नॉर्मल देखा नहीं जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो पंचमेश है शुक्र, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 12 तारीख के बाद, या आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। आपके राशि का जो अष्टमेश है शनि, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश है मंगल, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 6 तारीख के बाद, या आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर यदि भी मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि अष्टम भाव में जो ग्रह होते हैं वो शुभ फलदायी माने नहीं जाते, लेकिन आर्थिक स्तर पर अगर देखा जाए तो इजी मनी के मामले में अगर देखा जाए तो ये जो सभी ग्रह अब हमने जो भी गिनवाए वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ आपको इन दिनों में, इस संपूर्ण महीने में मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। लेकिन इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। हालांकि इजी मनी आपको अगर मिलने हैं तो जरूर मिलेंगे, लेकिन आप खुद से बड़ी ट्राई नहीं करना। कभी कभी होता क्या है कि हम रिस्क ले लेते हैं, तो उस प्रकार के रिस्क इस महीने में नहीं लेना। रिस्क न लेते हुए भी आपको किसी ना किसी प्रकार के जो इजी मनी मतलब आपने जिसके बारे में सोचा नहीं था। कई दफा हम काम करते हैं, अपेक्षा नहीं करते, एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन उसके जो लाभ है वो हमें मिल जाते हैं, पैसे के मामले में या फिर अन्य किसी रूप में मिलते हैं। तो यही जो बात है, यही जो अनुभव है वो आपको इस महीने में आने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। अब हम चर्चा करेंगे गृह सौख्य के बारे में, घर का जो सुख है वो आपको किस तरह से मिल सकता है। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है बुध, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है 2 तारीख के बाद, या आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर आपके घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य रिलेटेड छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है, क्योंकि आपके राशि का चतुर्थेश और अष्टमेश बुध और मंगल, इनकी युति जो है वो आपके अष्टम भाव में होने जा रही है। तो घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप के मामले में, तो रिलेशनशिप आपकी कैसे होगी। जैसे कि आपके राशि का जो पंचमेश है शुक्र, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 12 तारीख के बाद यह भी आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। आपको इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। छोटी मोटी बातों को लेकर छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन रिलेशनशिप में आने की संभावना थोड़ी बन रही है। उसी प्रकार
जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। मतलब जो मिथुन राशि की गर्भवती महिला है उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार के सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं, कोई लक्षण आपको दिखते हैं, तो डॉक्टरी इलाज करना काफी महत्वपूर्ण होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो संपूर्ण समय है वह सामान्य साबित होगा। आपको एफर्ट देना होगा, बहुत ज्यादा, थोड़ा ज्यादा एफर्ट देना होगा। मतलब नॉर्मली जो आप जो एफर्ट देते हो उससे थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट इस महीने में आपको देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे विवाह सुख के मामले में। तो विवाह सुख के मामले में अगर देखा जाए तो जनवरी के महीने में संपूर्ण महीना जो मंगल था वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा था, वही पर शुक्र और बुध भी था। तो आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जुड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी, या फिर आपके जो वैवाहिक जुड़ीदार है वो विचारों के रूप में आप पर काफी ज्यादा हावी देखे जा रहे थे। अब ये जो बात है वो काफी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी। जैसे कि आपके राशि का जो सप्तमेश गुरु जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, अभी मार्गस्थ हो चुका है, उसी प्रकार जो मंगल है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और शुक्र बुध भी आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जुड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए ये जो समय है मतलब फरवरी का जो समय है वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। विवाह होने के, एंगेजमेंट होने की जो ये जो बातें हैं वो इस महीने में होने की बहुत ही अच्छी संभावना बन रही है, तो जरूर उस पर काम कीजिए। इसी प्रकार इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो करियर है उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो कर्मेश है गुरु जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और वो मार्गस्थ भी हो चुका है, तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएंगे। हालांकि आपने जनवरी में भी देखा होगा कि जो आपका जो भी कार्य क्षेत्र है वो काफी स्मूथ चल रहा है, वहां पर के जो लोग होंगे उनसे भी आपको काफी अच्छी मदद मिलती हुई नजर आएंगी। तो यही जो सिलसिला है, यही जो बात है वो इस महीने में भी देखी जाएगी। अब देखिए जो गुरु है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, पंचम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहा है और नवम दृष्टि से ये आपके सप्तम भाव को भी देख रहा है। तो आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे आपको काफी अच्छी मदद मिलेगी। आप ये जो मदद है वो एडवाइस के रूप में भी मिल सकते हैं, प्रत्यक्ष लाभ के रूप में भी मिल सकते हैं। उसी प्रकार अभी तक आपने जो भी काम किया इसका जो अगर लाभ आपको नहीं मिला है तो उसके लाभ भी इस महीने में मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। उसी प्रकार जो पहले अब मैंने बात की कि अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर गर्भवती महिला, तो उनके मामले में क्या मैं कहना चाहता हूँ कि जो गुरु है उसकी सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव में होने के कारण यदि भी आपको गर्भवती महिला के बारे में अगर देखा जाए, यदि भी आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम या फिर सिम्टम्स दिखाई देते हैं लेकिन उसके एक्सट्रीम रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो जो बातें मैंने कही कि छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती, थोड़ी बढ़ भी सकती है, लेकिन यह भी बात एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में आपको चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि बहुत सारे जो ग्रह है वह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। किसी भी प्रकार के ऐसे बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा बदल जाए, ये बात ध्यान लीजिए। और थोड़ा सा लेजीनेस इस महीने में आप फील कर सकते हो, तो आपका जो माइंडसेट है थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है, खुद को थोड़ा सा ये करना, अंडर एस्टिमेट करना, इस प्रकार की जो बात है, क्योंकि आपकी जो राशि है इसके जो मूड स्विंग है वो काफी फटाफट होते हैं, तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि ये जो बातें हैं मैंने जो कह रहा हूँ वो एक ही महीने तक सीमित रहेगी, क्योंकि जो रवि है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करने जा रहा है, उसके बाद जो मंगल है वो भी करीबन मार्च में आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो इस महीने में ही आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा, खास करके जो आपके राशि का जो बुध है वह करीबन 2 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ही आपके अष्टम भाव में भ्रमण करने जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य का जो मामला मैंने कहा उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में, ग्रह योग के जो परिणाम है वो किस प्रकार से आपको मिल सकते हैं। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को नेपच्यून और बुध का लाभ योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो नेपच्यून आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। तो कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम है तो वह इन दिनों में हाथ में ले सकते हो। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को नेपच्यून और मंगल का लाभ योग होने जा रहा है, हर्षल और शुक्र का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब नेपच्यून और मंगल का जो लाभ योग है वो भी आपके लिए, खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेट काफी महत्वपूर्ण होगा। उसी प्रकार शुक्र और हर्षल का जो त्रिकोण योग है वो काफी महत्वपूर्ण होगा। दिनांक 7 तारीख को ये जो दोनों योग है वो होने जा रहे हैं। तो अगर आप विवाह के मामले में सोच रहे हो तो इन दिनों में
अचानक कोई आपको ऐसे ये मिल सकते हैं, मतलब जो भी विवाह करना चाहते हैं उनके लिए ऐसी बात हो सकती है जिसकी वजह से आपकी जो विवाह की जो प्रक्रिया है वो काफी फास्ट होगी, या फिर आपके सामने कुछ अच्छे ऑप्शंस आ सकते हैं विवाह के मामले में, अरेंज मैरिज के बारे में कह रहा हूँ। उसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को रवि और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा उसके साथ, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा उसके साथ आपके लाभ भाव को जो हर्षल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। इन दिनों में किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इस प्रकार दिनांक 13 तारीख को नेपच्यून और शुक्र का लाभ योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा उसके साथ आपके दशम भाव का जो नेपच्यून है वो लाभ योग करने जा रहा है। इजी मनी मिलने की संभावना इन दिनों में काफी अच्छी बन रही है। हालांकि आपके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ जो बातें जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इन दिनों में आ रही थी या फिर आएगी उससे थोड़ा सा निजात पाओगे, मतलब थोड़ा सा इजी होगा आप में और आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनकी जो रिलेशनशिप है उसमें। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मैंने शुरुआत में बात कही कि आपको रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा चौकन्ना रहना ही होगा। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को बुध और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो बुध आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानियां या फिर प्रॉब्लम इन दिनों में ज्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार थोड़ा सा खुद पर ऐसे कोई स्ट्रेस या फिर टेंशन आ सकते हैं जिसकी वजह से आप वो जो बात है वो ज्यादा फील कर सकते हो। डिप्रेशन वगैरह जो बातें हैं वो तो थोड़ी सी फील कर सकते हो इन दिनों में, तो थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को मंगल और शुक्र की युति होने जा रही है आपके अष्टम भाव में। अब ये जो मंगल शुक्र की युति है वो ये भी आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इन दिनों में किसी भी प्रकार के ऋण नहीं लेना, कर्जे नहीं लेना, आप बुरी तरह से फंस सकते हो। मतलब इन दिनों में ऋण की आपको थोड़ी सी आपको लग सकता है कि ऋण लिया जाए या फिर कर्जा लिया जाए, लेकिन आगे जाके वो चुकाना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, तो इन चीजों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को रवि और शनि की युति होने जा रही है आपके भाग्य भाव में। रवि जो कि आपका तृतीयेश और जो शनि आपका भाग्यश है अष्टमेश है दोनों की जो युति है वो आपके भाग्य भाव में होने जा रही है दिनांक 28 तारीख को। तो इन दिनों में घूमना फिरना बहुत ही ज्यादा हो सकता है जो कि काफी अच्छी बात होगी। सिर्फ आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, लेकिन घूमने फिरने की जो बात है मतलब ट्रेवलिंग की वगैरह वो ज्यादा हो सकती है। इसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को गुरु और बुध का लाभ योग भी होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो बुध आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना इन दिनों में हो सकता है दिनांक 29 तारीख के आसपास। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 9 तारीख को है और आपके अष्टम भाव में है, तो ध्यान में रखिए ये जो अमावस है वो थोड़ी सी आपके लिए डेंजरस हो सकती है खास करके स्वास्थ्य के मामले में, तो स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। वैसे भी देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में स्वास्थ्य की जो समस्याएं है वो थोड़ी ज्यादा आ सकती है। अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित है तो उसके कुछ लक्षण भी आपको इन दिनों में दिखाई दे सकते हैं। इसी प्रकार जो पूर्णिमा है वो 24 तारीख को है। अमावस्या पूर्णिमा के दिन होता क्या है कि रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वो काफी ज्यादा हम ज्यादा इमोशनल होते हैं और इमोशन के चलते हुए हम गलत निर्णय लेने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है, तो इन दिनों में इस प्रकार की जो बात है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि का फरवरी 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।